स्टूडेंट्स, आई एम मुमताज, योर सोशल स्टडीज टीचर. एज वी ऑलरेडी नो, टुडे इज अवर सेकेंड लेक्चर. इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट संसाधन किसे कहते हैं और संसाधनों के प्रकार बताइए. एंड इन दिस लेक्चर वी विल लर्न संसाधनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. जिस प्रकार हमारे जीवन के लिए संसाधन बहुत उपयोगी हैं और यह विश्वास किया जाता है संसाधन प्रकृति की देन है, फिर भी मानव ने संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं. यानी ये सब हम सभी जानते हैं कि ये प्रकृति की देन है, हमें नेचर से मिली है और ये लिमिटेड है. फिर भी मानव ने इसका इतना उपयोग किया है जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी और भूमंडलीय विश्व स्तर पर बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं. कुछ व्यक्तियों की लालच से संसाधनों का ह्रास हुआ है, यानी कुछ व्यक्तियों के की लालच से कुछ व्यक्तियों ने इसका इतना लालच किया है, इतना उपयोग किया है. जिनके पास टेक्नोलॉजी है उन्होंने इसका इतना उपयोग किया अपने विकास की गति को तेज करने के लिए, जिससे इसका नुकसान हुआ, इसमें कमी आई. कुछ लोगों के हाथ में संसाधन आए और कुछ को नहीं मिल सके, इससे समाज अमीर और गरीब में बढ़ गया. यानी जो जिन व्यक्तियों और देशों के पास प्रौद्योगिकी ज्ञान था, प्रौद्योगिकी थी, उन्होंने उसका बहुत अधिक उपयोग किया, जिससे वो अमीर होते चले गए. और जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी ज्ञान नहीं था, उनको ये संसाधन नहीं मिल सके, जिससे ये समाज अमीर और गरीब में बट गया. संसाधनों के शोषण से और संसाधनों के ज़्यादा से ज़्यादा शोषण से वायुमंडल में वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया. जैसे भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत में छेद और पर्यावरण प्रदूषण जैसे, और भी भूमि निम्नीकरण आदि ऐसे समस्याएं पैदा हो गई. और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक सतत पोषणीय विकास का व्यवधान किया गया, जिसका मतलब है हम विकास तो करें, हम अपने देश को विकास तो दें, मगर उससे किसी भी तरह का हमारे पर्यावरण को नुकसान ना हो और हम संसाधनों का इस तरह से उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधन मिल सके. और इन्हीं सारी मुद्दों को, सतत पोषणीय विकास को कंटिन्यू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन के नाम से जिसे जाना जाता है, उसका आयोजन किया. इसमें 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे और यह 22 अप्रैल 1992 में ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया. इसमें इन सारे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया, जैसे पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल और जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे, ओजोन परत में छेद, पर्यावरण प्रदूषण, इन सारे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया और इनका सॉल्यूशन ढूंढा गया. और इसी का ही एक हिस्सा है एजेंडा 21. ये एक घोषणा है जिसे 1922 में ब्राजील के ही एक शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूनिसेफ के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया. और इसका मकसद था भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना. जैसे जो हमारा भूमंडल है, यानी जो हमारी पृथ्वी है, उसमें हाँ उससे हम विकास तो करें, लेकिन उसमें किसी तरह का कोई उसके नुकसान ना हो और उसका पोषणीय विकास हो, उसका मतलब उसका पोषण हो. जैसे विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय गरीबी और रोगों से निपटारा करना है. ये इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए स्थानीय निकाय
और एक एजेंडा तैयार करना है। कहने का मतलब ये कि इन राष्ट्रीय अध्यक्षों ने ये कहा कि अगर हमें मतलब संरक्षणों का यूज नहीं करेंगे तो हम नुकसान में रहेंगे, और इन्हीं के लिए स्थानीय निकाय एक एजेंडा तैयार करना है कि हमें किस तरह से इसका संरक्षण करना है और इसको बचा कर रखना है, और इसके लिए एक प्लानिंग की जरूरत है, संसाधन नियोजन, संसाधन की पहचान करके, जैसे संसाधन किस तरह की, ये रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, इसकी एक लिस्ट बनाएं और मानचित्र बनाएं। ये मानचित्र बनाने का मतलब कि जो रिसोर्सेज हैं ये है कहाँ पर, किस जगह है, किस क्षेत्र में है, कितने हैं। नंबर सेकंड, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी तैयार करना, यानी संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए, बिना टेक्नोलॉजी के हम इन संसाधनों का यूज नहीं कर सकते। नंबर थर्ड पॉइंट इज संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल होना, कि हमें विकास तो करें, अपने विकास की गति को तेज करने के लिए हम अपने विकास की योजना को इस तरह से बनाएं कि राष्ट्रीय विकास में और संसाधनों के विकास में तालमेल रहे, संसाधनों का ऐसे उपयोग करें जिससे हमारे देश को कोई नुकसान न हो। औपनिवेशिक इतिहास हमें बताता है संसाधन संपन्न देश विदेशी आक्रमणकारियों का आकर्षण रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में बहुत सारे संसाधन थे, ये हमारा देश जो था संसाधन संपन्न देश था, और जितने भी औपनिवेशिक जो देश हैं, जैसे अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाया, तो इसीलिए बनाया कि हम हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम उनका सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, और जो औपनिवेशिक शासन था उसने इसका अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए इस्तेमाल किया, अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए और उन संसाधनों का उपयोग किया, और उन्होंने अपने देश को विकसित बनाया। बेहतर टेक्नोलॉजी के कारण उन्होंने संसाधनों का शोषण किया, उनके पास टेक्नोलॉजी थी जिससे उन्होंने इन संसाधनों का शोषण किया। संसाधन तभी किसी देश का विकास करते हैं जब उस देश में टेक्नोलॉजी होगी। कहने का मतलब यही है, संसाधन हमारे किसी काम के नहीं है अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, अगर हमारे पास प्रौद्योगिकी ज्ञान नहीं है। संसाधनों का संरक्षण, अब हमें संसाधन को किस तरह से बचा कर रखना है इसके बारे में समझना है। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से समस्याएं पैदा हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा इसके उपयोग से बहुत सारी पर समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे पर्यावरण समस्या, आर्थिक समस्या। और अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है भू संसाधन। भू संसाधन यानी भूमि, जमीन, हम भूमि पर रहते हैं और आर्थिक रूप से ही से भी इसका उपयोग करते हैं, इसलिए भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यानी हम जितने भी काम करते हैं भूमि पर करते हैं, और अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए हमें भूमि की बहुत ज़रूरत होती है, हम अपने आर्थिक रूप से भी इस पर निर्भर हैं, जैसे जितने भी पेड़ पौधे हैं वो भी भूमि पर हैं, वन्य जीवन है वो भी भूमि पर है, मानव जीवन है वो भी भूमि पर है, परिवहन है वो भी भूमि पर है, कृषि है वो भी, तो ये सारी चीज़ें ये सब भूमि पर ही संभव है, इसीलिए भूमि जो है, जमीन जो है बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। भू उपयोग, नेक्स्ट टॉपिक इज भू उपयोग। तो भू उपयोग, हमें भू को किस तरह से उपयोग में लाना है, हम भूमि को किस तरह से उपयोग में ला सकते हैं, वन के रूप में, भूमि का इस्तेमाल वनों के रूप में हुआ है, बंजर भूमि के रूप में, गैर कृषि भूमि, सड़कें, इमारतें, स्थायी चरागाह जहाँ पर चरागाह, बाग बगीचे हैं, उपवन, पार्क कार्ड, कृषि योग्य बंजर भूमि, ये ऐसी भूमि है जहाँ पर 5 साल से खेती न हो सकी हो, वर्तमान परती भूमि 1 साल से अधिक से खेती न हो, पुरातन परती भूमि 1 से 5 साल तक भूमि न हो, शुद्ध निवल पोया क्षेत्र
एक वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया, यानी ये ताज़ा भूमि होती है, ताज़ी भूमि होती है और इसमें हम एक से अधिक बार कृषि कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज भू निम्नीकरण, यानी भूमि के उपजाऊपन में कमी आना। जैसे कि हम सभी जानते हैं, भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वजों ने भी किया, हम भी कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां भी करेंगे। तो अगर हम इसका ज़्यादा उपयोग करेंगे तो इसमें जो उपजाऊपन है उसमें कमी आ जाएगी। इसका कारण क्या है? वनों की कटाई, हम ज़्यादा से ज़्यादा वनों को काट रहे हैं, अति पशुचारण करना, ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को चराना, खनन करना, खोदना, खनिज निकालना, अति सिंचाई करना, ज़्यादा से ज़्यादा खेती लगाना करना, पानी डालना, सिंचित करना और औद्योगिक धूल। औद्योगिक धूल से मतलब जो हमारे भट्टे हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें उनसे धुआं निकलता है और वो धुआं निकल के आके ज़मीन पर मिट्टी पर जम जाता है, जिससे भी ये सारे जो वजह हैं, ये जो सारे कारण हैं जिनसे भू निम्नीकरण होता है। और इसके उपाय क्या हैं? इसके उपाय हैं पेड़ लगाना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, अति सिंचाई ना करना, ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई ना करना चाहिए, अति पशुचारण ना करना, अधिक पशुचारण